press the bell icon on YouTube and never miss another update. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदू और मैं आपके लिए लाया हूँ व्हाट्सएप की वो सेटिंग जिसे आप सेट करेंगे तो उस सेटिंग के बाद आपको पता चलेगा कि आपका मैसेज कोई भी नहीं पढ़ सकता। यानी जो मैसेज आप अपने गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को करते हो, ऐसे मैसेज छुपाने के लिए मैं आप व्हाट्सएप में वो सेटिंग दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक, और आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो ये नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो आएंगी बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिए। क्या ऐसी सेटिंग है, मैं हमेशा कहीं से ढूंढ ढूंढ के ला कर आपको देता रहूँगा। और आपको किसी तरह की सेटिंग की जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, वीडियो के सबसे नीचे की तरफ में कमेंट बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पहले जाना है अपने को व्हाट्सएप में, और जिस भी भाई की आपको सेटिंग ये करना, जिसका भी जैसे ये गुड्डू भाई है, इसको मैं यहाँ से देखो ये इसका मैसेज है, तो मैं ये मैसेज को यहाँ से गायब करके दिखाऊंगा आपको। इसको मार्क करना है और ये जो तीर वाला आइकन है यहाँ पे दिख रहा है आपको ऊपर में तीर वाला, उसको बैक कर देना है। ये देखो यहाँ से वो ये गायब यहाँ से छुप गया है। अब जिसकी भी इसकी चैटिंग है ये यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी, यानी ये भाई साहब यहाँ पे कभी नहीं दिखाई देंगे। इसको देखने के लिए इसको ऐसा करना है, सबसे नीचे की तरफ जाना है। यहाँ दिखा है संग्रहित चैट लिखा, चैट लिखा है, यहाँ जाना है और यहाँ से देखो यहाँ पर मिलेगा आपको। अब यहाँ से उनको हमेशा चैटिंग कर सकते हो यहाँ से, और अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को उसकी चैटिंग किसी को दिखाई नहीं देंगी आपके सिवा, क्योंकि आपके सिवा पता ही नहीं चलेगा किसी को कि उसमें चैटिंग है करके। तो और इसको आप वापस भी ला सकते हो यहीं से, इसको मार्क करना है और फिर ये वही तीर को वापस तीर को दबा प्रेस करना है ऊपर जाने वाले, ये आपको वापस उसी जगह दिखाई देंगी। तो इसी तरह आप अपने मैसेज को, अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज को इसी तरह छुपा के रख सकते हो, या आपके घर के किसी भी सदस्य को या अपने दोस्तों को दिखाई नहीं देंगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दीजिए लाइक और दोस्तों में कर दीजिए शेयर। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद।